गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन अवर लास्ट वीडियो वी हैव लर्न हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन सेल और सब सेल्स इन विच वी नो दैट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज गवर्न बाय द थ्री प्रिंसिपल फर्स्ट इज अबाव प्रिंसिपल सेकेंड इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड इज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लसिटी तो जिसमें हमने अब्बा रूल में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन गोज ऑन फिलिंग द ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा और ऑर्बिटल की एनर्जी ऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया वन एस टू एस फिर टू पी थ्री एस थ्री पी इस तरीके से होता है ठीक इसके बाद नेक्स्ट ये हमने ये फिलिंग मैंने आपको बताई थी और इसके लिए फॉलो होता है एन प्लस एल रूल यानी कि एन क्या है ये वन टू जो थ्री ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेल ये एन है एस पी डी एफ क्या है एल है एन प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले वन एस में जाएगा फिर टू एस आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आपको अगर एनर्जी एन प्लस एल रूल नहीं लगाना है तो आप एक लाइन में पहले लिखिए वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी थ्री डी और फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ इसी तरीके से फाइव इसी तरीके से सिक्स ठीक इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा देन 2s, 2p, 3s, फिर 3p, 4s, 4d, 4p, 5. ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में जाए इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसी के अकॉर्डिंग फिलिंग होगी इसको अभी हम आगे पढ़ते हैं ठीक है इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जिसमें कहा कि नो इट टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर किसी भी एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चार के चार क्वांटम नंबर सेम हो एन एल एम एस की वैल्यू जिनकी सेम हो अगर मान लीजिए कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक सेल में हैं, तो उनके लिए एन की वैल्यू सेम होगी अगर कोई दो एक सबसेल में भी हैं, तो उनके लिए एल की वैल्यू भी सेम हो सकती है एस सब सेल में हो सकते हैं या पी में हो सकते हैं अगर वो एक ही ऑर्बिटल में हैं तब भी उनके लिए m की वैल्यू सेम हो सकती है क्योंकि s में एक ऑर्बिटल होता है p में तीन ऑर्बिटल d में पांच ऑर्बिटल और f में सात ऑर्बिटल होते हैं तो अगर वो एक ऑर्बिटल में भी हैं तब भी उनका क्वांटम नंबर सेम हो सकता है बट अगर वो एक ही ऑर्बिटल में हैं तो दे मस्ट स्पिन उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए अगर एक का स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए तभी वो एक ऑर्बिटल में रह पाएंगे अदरवाइज नहीं रह पाएंगे तो जो लास्ट क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू दोनों के लिए चेंज हो जाएगी ठीक ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ठीक इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अपना हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल में अब ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम जैसे 3s एक ऑर्बिटल है 3p में तीन ऑर्बिटल हैं, थ्री डी में पांच ऑर्बिटल हैं। तो हम अगर थ्री डी की बात करें या थ्री पी की बात करें तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विल नॉट टेक्स प्लेस अनलेस ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी आर सिंगली फिल्ड मीन्स थ्री पी में अगर इलेक्ट्रॉन जाना है तो पी के जो तीन ऑर्बिटल हैं, सब में पहले एक एक जाएगा उसके बाद आगे फिर उसमें डबलिंग होगी ठीक इसको हम ऐसे समझ सकते हैं अभी जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से ठीक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया वन तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना ठीक और L की वैल्यू हम लिखेंगे तो जीरो ठीक है वैल्यू कितनी होनी चाहिए जीरो अगर एन वन है तो एल की वैल्यू होगी जीरो ठीक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी जीरो और स्पिन हो गया प्लस हाफ ठीक है तो इसका कॉन्फिग्रेशन हमने लिखा वन एस वन पहला इलेक्ट्रॉन वन एस में गया और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया वन एस वन ठीक तो इस तरीके से सेकेंड लेते हैं हम हीलियम हीलियम का एटॉमिक नंबर है टू तो कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा वन एस टू ठीक इसके लिए अगर आपको चारों क्वांटम नंबर्स लिखने हो तो एन की वैल्यू वन एस की एल की वैल्यू जीरो क्योंकि S के लिए हम एल जीरो माइनस हाफ क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है अगर इसके लिए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना होगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ क्योंकि आपको तो नहीं पता कि वो क्लॉक वाइज है या फिर एंटी क्लॉक वाइज है ठीक तो इसी तरीके से बाकी देखिए जैसे लिथियम लिथियम का कितना हो गया थ्री तो so, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वन एस टू क्योंकि एक और एस ऑर्बिटल में दो ही जा सकते हैं तो वन एस टू ये भर गया अब कहाँ जाएगा टू एस और टोटल थ्री हैं तो ऊपर वाले काउंट करने हैं टू और वन थ्री हो गया तो वन एस टू टू एस वन ठीक इसके बाद आया बेरिलियम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आया फोर ठीक वन एस में टू गए फिर वो टू एस में गया आगे टू एस में मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने जा सकते हैं टू ठीक है बोरोन का एटॉमिक नंबर फाइव वन एस टू टू एस टू भर गया अगला कहाँ जाएगा टू पी में टू पी वन ठीक अब ये टू पी वन जो है ये आपको ध्यान रखना है कि टू पी वन पहले वन में जाएगा कार्बन में टू पी टू नाइट्रोजन में टू ठीक थी. अब कब तक जाएगा पी में कितने ऑर्बिटल हैं अब ये पी में आप कहोगे कि एस में तो दो तक ही गया पी में आगे क्यों जा रहा है क्योंकि एस में एक ही ऑर्बिटल था एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और पी में कितने हैं पी में तीन ऑर्बिटल हैं ठीक तीन ऑर्बिटल हैं तीनों में दो दो जाएंगे तो टोटल कितने हो गए सिक्स तो इसी तरीके से आप एटॉमिक नंबर लिखिए और उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप अपने आप उनका कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे ठीक मैं आपको इससे आगे जो है बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी आपको बता देती हूँ एक चीज कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप कैसा होता है जो हमारा एस ऑर्बिटल है उसका शेप होता है स्पेरिकल ठीक है एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्पेरिकल ये वन एस है इसके बाद नेक्स्ट आपका आया टू एस ये देखिए इसमें क्या है ये ये न्यूक्लियस है अब देखो आप ऑर्बिटल जब देख रहे हैं तो ऑर्बिटल को एक फिक्स पाथ नहीं दिख रहा आपको ऑर्बिटल क्या है ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर बीच में आपको एक रिंग दिखाई दे रही है इस रिंग को हम कहते हैं रेडियल नोड मीन्स कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं होगा ठीक इलेक्ट्रॉन कहा हो सकता है यहाँ हो सकता है या फिर इसमें हो सकता है बीच का जो एरिया है एक उसको कहा जाता है नोड आपकी एनसीआरटी की बुक में भी है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल ये देखो इसमें आपको दो नोड दिखाई दे रहे हैं एक ये वाला और एक दूसरा ठीक तो यह है थ्री एस एस ऑर्बिटल जितने भी होंगे उनका शेप हमेशा स्पेरिकल होगा ठीक इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल हमेशा ऐसे होता है डंबल शेप का ठीक अगर ये पी एक्स एक्सिस में है तो इसको हम कहेंगे पी एक्स अगर यही y एक्सिस या z एक्सिस में है तो इसको हमने जैसे ये z एक्सिस में है तो हमने इसको कहा zx pz ठीक अगर ये y एक्सिस में x एक्सिस में px y एक्सिस में py ठीक और z एक्सिस में pz ठीक तो ये px py pz इसके बाद अब आप एक काम करेंगे इसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आ गया है तो इसके बाद आप देखिए और भी हैं मैंने इसी में सभी के एग्जाम्पल दिए हैं जैसे हम अगर टू पी सिक्स से आगे बढ़ जाएं ठीक है तो ये इसको देख करके आप फ्लोरीन का नाइन है टू एस टू टू पी फाइव नियोन का टेन है तो इस तरीके से आप आगे भी कॉन्फिग्रेशन लिख सकते हैं टू एस में इलेक्ट्रॉन पहले जब जाएगा तो वन एस फिर टू एस फिर टू पी थ्री एस थ्री पी बस आपको ध्यान क्या रखना है कि एस में दो जा सकते हैं मैक्सिमम P में six जा सकते हैं मैक्सिमम ठीक है और फिर इसके बाद डी में जो है वो कितने जा सकते हैं डी में जा सकते हैं टेन इलेक्ट्रॉन ठीक तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आप लिखेंगे और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में आपको दे रही हूं जिसमें से आप इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर वन टू एट ठीक ये आपको करने हैं इसमें आप लास्ट वाला क्वेश्चन चाहे तो अभी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी ठीक है बेटे तो ये बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं इतना आप कंप्लीट करेंगे फिर उससे आगे हम इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे ठीक थैंक यू